ये कर्ण पिशाची करके एक सिद्धि है, वो एक मंत्र है, वो कर्ण पिशाची की कितने 10-12 साल तुम साधना करो, कर्ण पिशाची सिद्ध हो जाता है, सिद्ध हो जाती है तो फिर वो कान में तुम्हें बोल देती है, कोई आया आदमी इसका ये है, इसका नाम ये है, तो वो चिट्ठी में लिख के तुम उनको दिखा सकते हो। इसको कर्ण पिशाची, भूतकाल बोल देगी वर्तमान में क्या है वो तुमको बता देगी, पर भविष्य उसका कुछ नहीं सिद्ध सही बन, भविष्य जो बोलते भी हैं वो होता नहीं है। यदि हो जाता है तो बड़ा वो आश्चर्य की बात, 10-15% भविष्य का कुछ कह दे वो हो जाए तो, नहीं तो वो सब ऐसे ही क्षणिक चमत्कार। एक प्रयोजन इसमें ये है कि जो बिल्कुल जड़ बुद्धि है वो थोड़ा चकित हो जाते हैं, वाह वो है। कुछ और भी है, अध्यात्म जगत भी है, ऐसा करके उसके मन में जो ये स्थूल प्रपंच स्थूल समाज से बढ़कर कुछ और भी है ऐसा उनको भास होता, बस इतना ही इसका प्रयोजन है।